आगामी विधानसभा चुनाव में अराजकता व अशांति फैलाने के मकसद से अवैध असलहों की फैक्ट्री का बिदनू पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह अवैध असलहा फैक्ट्री पतारा क्षेत्र में बने खेत में धड़ल्ले से चल रही थी, जहां अवैध असलहों की बड़ी खेप की सप्लाई कई जिलों में होती थी। वहीं पुलिस को इस मामले की सूचना कई दिनों से मिल रही थी, जहां मुखबिर की सूचना पर बिदनू पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं शातिर के बिना पर ही पुलिस ने फैक्ट्री का मौके पर जाके पर्दाफाश किया और अवैध असलों की बड़ी खेप की बरामदगी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में एडिशनल SP आउटर ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि अवैध असलों की फैक्ट्री पतारा क्षेत्र में संचालित की जा रही थी, जहां बिदनू पुलिस ने फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी मात्रा में असलों की खेप बरामद की। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही इस बात की पूछताछ करी जा रही है कि यह माल कहां कहां खपाने की योजना थी। जनपद कानपुर आउटर में थाना बिदनू के अंतर्गत एक असला फैक्ट्री बरामद हुई है, जिसके तहत 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक जगजीवन पासी, शिवरन और पंकज यादव, ये तीनों घाटमपुर के निवासी हैं और इनके कब्जे से 20 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद अद्धी और 2 अदद अद्धी 315 बोर, कुल मिला के 23 और 3 अर्ध निर्मित तमंचे बरामद हुए हैं। साथ में शस्त्र बनाने के उपकरण एवं औजार भी इनके पास से बरामद हुए हैं। ये शिवरन पुत्र सूरज प्रसाद निवासी गररियापुरवा थाना घाटमपुर, जिसके घर के पास से यह सामान और असला फैक्ट्री बरामद हुआ है, उसके साथ के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनको विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है और पूर्व में भी ये इस काम में संलिप्त रहे हैं और इनके जो कार्य का तरीका है, पहले भी इनके यहाँ से इस प्रकार का असला बरामद हुआ और ये अपने पड़ोसी अन्य जनपदों में भी इसकी सप्लाई करते थे। और हमारी स्वाट टीम और थाना बिदनू की पुलिस ने CO साहब के निर्देशन में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे IG और ADG महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में ये बहुत बड़ी सफलता जनपद कानपुर आउटर में थाना बिदनू पुलिस और स्वाट टीम को मिली है। धन्यवाद। इसके लिए SSP महोदय ने 25,000 रुपये पुरस्कार की भी घोषणा की है। देखिए, ये अवैध असलाह हैं, इसका प्रयोग वो कहीं भी कर सकते थे। ये लूट में भी कर सकते थे, विधानसभा चुनाव में कर सकते थे। इस समय जो हमने कार्रवाई की है, विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में तो आप मान ही सकते हैं, लेकिन ये कोई बटा नहीं होता कि इसका